أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں COVID-19 کی وجہ سے. سو اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. مائی نیم از بلال احمد اینڈ ٹوڈے ان دا online classes we have the lecture number 1, and in lecture number 1 we have to study about the introduction of to understand basic electronics. First we have to understand what is conductor, what is insulator and what is semiconductor. Electronics ko samajhne se के लिए हमें इन तीन चीजों का समझना जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर एंड इंसुलेटर. मटेरियल दैट परमिट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स. वो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो पॉसिबल हो तो उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं. जैसे कि हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या जिससे फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल हो उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है मटेरियल दैट ब्लॉक्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इंसुलेटर. कंडक्टर के बिल्कुल अपोजिट इंसुलेटर होता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करता है. यानी इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है जब उसका फ्लो है वो उससे पॉसिबल नहीं होता तो उन मटेरियल्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं. ठीक है, जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता. जैसे कि हमारे पास रबर, ग्लास, ठीक है, वुड, ये जितने भी हमारी चीज़ें हैं इनके जो है इनसे जो है हमारा कोई भी फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, उससे आगे होता है सेमीकंडक्टर. ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल हुज कंडक्टिविटी फॉल्स बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर. वो मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान हो, यानी इट मीन्स के कुछ खसूसियत कंडक्टर की होती है और कुछ खसूसियत इंसुलेटर की होती है. सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर मीन्स कुछ उसकी खसूसियत कंडक्टर वाली हैं और कुछ खसूसियत उनमें इंसुलेटर वाली हैं, तो उन मटेरियल्स को हम सेमी कंडक्टर कहते हैं. हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सारा का सारा सेमी कंडक्टर पे काम करता है. हमारे जितने भी डिवाइसेस होती हैं, हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे सेमी कंडक्टर में होते हैं. ठीक है, सो सेमी कंडक्टर डू नॉट फॉल इन टू एदर द कंडक्टर और नॉन कंडक्टर कैटेगरी. इंस्टेड दे फॉल इन बिटवीन. ठीक है, द बेस्ट सेमी कंडक्टर हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यानी अगर हम सेमी कंडक्टर का जो है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके जो वैलेंस यानी उसके आखिरी ऑर्बिट या उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, सो ये उसका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद जो है सेमीकंडक्टर आर मेड ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड ए वैरायटी ऑफ अदर सब्सटेंसेस. और हमारे सेमीकंडक्टर मोस्टली इन दो आइटम, इन दो मटेरियल से बनते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम. ठीक है, इन ही दो मटेरियल के बनावट से हम सेमीकंडक्टर को बनाते हैं और इसी को हम मोस्टली यूज. अब सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होती है? सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमन मटीरियल यूज़ टू बिल्ड सेमी कंडक्टर डिवाइस. जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको कहा कि हमारे जितने भी सेमी कंडक्टर डिवाइसेज होती हैं वो हमारी सिलिकॉन या जर्मेनियम से होके बनती है. ठीक है, सिलिकॉन इज ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड कट इन टू वेफर टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है, इनको जो है क्रिस्टल यानी इसकी जो शक्ल होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन की तरह होता है, यानी क्रिस्टल की तरह होता है,
और इनको जो है हम छोटे छोटे पीस में जो है कट करके हम उनसे फिर डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफरेंट डिवाइसेस हम बनाते उस यानी हम ये आगे जाके ये इसमें जो इसके प्रोसेस में कि हम किस तरह सिलिकॉन और जर्मेनियम से हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को बनाते हैं। ये प्योर सिलिकॉन कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी ये सिलिकॉन का ऑर्बिट जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमारा पेवर सिलिकॉन जो होता है, पेवर जो असल हालत में होता है, उसकी जो आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैज जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये हमारे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस की जो है या हमारे सेमी कंडक्टर की मटेरियल की खसूसियत है कि उनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जर्मेनियम इज अनदर सेमी कंडक्टर मटीरियल विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम भी एक इसी तरह का एक और मटीरियल है जो कि उसके भी आखिरी स्लाइड में कहा है कि हम सिलिकॉन के अंदर जो है फास्फोरस और बोरान को ऐड करते हैं। इन इन एडिशन को हम नॉर्मली जो हम किसी मटेरियल में किसी और मटेरियल की मिलावट करते हैं भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है ना हमें डोपिंग का प्रोसेस जरूरी जो है करना पड़ता है। तो डोपिंग मींस एडिंग सम इम्प्योरिटीज एटम टू क्रिस्टल एड सिलिकॉन टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी। ठीक है, ये हमारी डोपिंग की डिफिनीशन है कि हम सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज यानी कुछ मिलावट करते हैं कि नहीं, कुछ एटम्स की मिलावट करते हैं और इसी मिलावट को हम डोपिंग कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसी डोपिंग के बुनियाद पर हमारे सेमीकंडक्टर दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के हमारे दो सेमीकंडक्टर होते हैं इन डोपिंग की बुनियाद पर। ठीक है, यानी हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। अब हम देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम कौन सी डोपिंग करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम कौन सी डोपिंग करते हैं। यानी हमारे ये दो दो टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ डोपिंग प्रोसेस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर इन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो अब हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं कि हमारे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे। पी टाइप जो होती है उनका जो है सिलिकॉन ट्राई वेलेंट के साथ जब मिलके बनता है, जैसे कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का डोपिंग होती है, तो इससे बनने वाले सेमीकंडक्टर को पी टाइप कहते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ होल्स की तादाद ज़्यादा होती है जबकि इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। एन टाइप जो कि सिलिकॉन और पेंटावेलेंट की मिलावट से बनता है, लाइक सिलिकॉन और फास्फोरस मिलके जब डोपिंग उसकी होती है, तो उससे बनने वाला सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप कहते हैं और इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स यानी इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कम होता है। ईच पेंटावेलेंट एटम इन सिलिकॉन क्रिस्टल प्रोड्यूस 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हर पेंटावेलेंट एटम जो कि क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन एक करता है? क्योंकि 5 जमा 4 मेरे यहाँ पे जो है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि पांचवा होता है जो कि उसके साथ बॉन्डिंग नहीं होती। अब सिलिकॉन के आखिरी ऑर्बिट में भी 4 हैं और पेंटावेलेंट के आखिरी शेल में 5 हैं। अब 4 और 4 तो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और वो पेंटावेलेंट का जो एक आखिरी वाला है पांचवा वो फ्री बन जाता है, उसी को हम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी वजह से पेंटावेलेंट्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसी इसी जो है ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट के बेस पे हम जो है बाज औकात उनको डोनर और एक्सेप्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एक छोटे से टर्मिनोलॉजीज हैं कि हम किसको डोनर कहेंगे और किसको एक्सेप्टर कहेंगे। ए पेंटावेलेंट मटेरियल विच डोनेट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द सिलिकॉन क्रिस्टल। अब जो है पेंटावेलेंट मटेरियल जो है ये सिलिकॉन क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है
दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हैज ए डोनर इम्प्योरिटीज। इसी वजह से पेंटावेलेंट मटीरियल की जो इम्प्योरिटीज है हम उसको डोनर इम्प्योरिटीज कहते हैं। एंड ट्राइवेलेंट एटम इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर एटम बिकॉज ईच होल ईच कंट्रीब्यूट्स कैन एक्सेप्ट ए फ्री इलेक्ट्रॉन। और ट्राइवेलेंट्स में जो है जितनी भी होल्स होते हैं वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचा नहीं रहता। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एक्सेप्टर। ठीक है, सो दैट इज द डोनर एंड एक्सेप्टर। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। आज हमने जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।